हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे गुप्ता एम्पायर के बारे में। अब हम वही लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है तमिलनाडु एनसीईआरटी का। इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा है। मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके आंसर लिखें, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं रिव्यू करूंगा। या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर, मैं उसको रिव्यू कर दूंगा। साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स ओपन कर लें, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो प्रीलिम्स में आते ही हैं, वो आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट मंथ जैसे यूपीपीसीएस है, उसमें भी एक दो क्वेश्चन तो होंगे ही गुप्ता पीरियड से। डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि गुप्ता किंग्स ने काफी सारे टाइटल्स ले रखे थे। जैसे एक टाइटल है परम भट्टारक, महाराज धीराज, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। महाराज धीराज मतलब किंग ऑफ किंग्स, ऐसा टाइटल है। फिर परमेश्वर और सम्राट चक्रवर्तन। तो चक्रवर्तन तो देखिए उस रूलर को कहा जाता है जिसने हिमालय से लेके साउथ इंडिया ओशंस तक और ईस्ट से लेके वेस्ट पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट को जिसने कैप्चर कर लिया हो। तो रियल चक्रवर्तन रूलर तो वैसे अशोका होंगे, क्योंकि उतना बड़ा एम्पायर उनका ही था, या औरंगजेब के टाइम में था, या अकबर के टाइम में था। लेकिन गुप्ता किंग्स को भी कहा जाता है ये। और आप देखेंगे कि किंग जो था वो एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक उसकी जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं अभी, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उस टाइम में, जिसमें चीफ मिनिस्टर सेनापति थे। सेनापति कौन थे? ही इज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, और अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हुआ करते थे। एक काफी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जिसका नाम यहाँ पर दे रखा है, वो है संधि विग्रह, जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन में काफी बार मेंशन की गई है। तो ऐसा लगता है कि फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर थे। तो संधि विग्रह, कभी कभी यूपीएससी के अगर ये लिख देता है संधि विग्रह कौन थे, बस सिंपल ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर ऑप्शंस में लिख देता है इट इज अ नेम ऑफ टेंपल, इट इज अ नेम ऑफ ऑफिशियल, इट इज अ नेम ऑफ समथिंग आर्ट, तो ऐसे करके दे देता है। तो संधि विग्रह का अगर आपको बस ये पता है कि कौन है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। मेंस में तो ये चीज याद रहती नहीं है जनरली, अनटिल अनलेस आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो। किंग जो थे वो देखिए, इसमें जो एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपको पॉलिटी का आइडिया हो, तो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था गुप्ता एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से अगर इसे कंपेयर किया जाए, तो मौर्यन एम्पायर काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर्स थी। लेकिन गुप्ता पीरियड में ऐसा नहीं था, इसमें प्रोविंसेस के हाथ में काफी ज्यादा पावर थी। काफी जगह ये भी कहा जाता है कि किंग जो थे ही वॉज हेड ऑफ सम वसल्स, मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेट्स के हेड थे, ऐसा भी काफी जगह कहा जाता है। तो किंग मेंटेन अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अ क्लास ऑफ ऑफिशियल्स, जिनका नाम था कुमारा मत्यास और अयोक्तास। तो ये जो दोनों नाम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संधि विग्रह से अगर आपको याद रहता है तो अच्छा है, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन कुमारा मत्यास और अयोक्तास तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं। जो मॉडर्न पीरियड में ऑफिशियल्स थे उनका नाम धर्मा मत्यास था, कुमारा मत्यास यहाँ पर अलग ऑफिशियल्स है, ठीक है। तो धर्मा मत्यास किसके टाइम में थे? और मॉडर्न पीरियड के टाइम में। कुमारा मत्यास किसके टाइम में थे? गुप्ता पीरियड के टाइम में। प्रोविंसेस इन गुप्ता एम्पायर वाज नोन एज भुक्तीस, जैसे अभी स्टेट्स बोला जाता है वैसे उस टाइम में भुक्तीस बोला जाता था, और प्रोविंशियल गवर्नर्स को उपारिकास बोला जाता था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होना चाहिए। भुक्तीस जो थी वो फर्दर डिवाइडेड किसमें थी? विश्यास में और डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट को विश्यास बोला जाता था उस टाइम में, और वो किससे गवर्न किया जाती थी? विश्यापतीस से। तो विश्य अगर आपको याद है तो विश्यापतीस भी याद रहेगा। फिर नगर श्रेष्ठी भी एक ऑफिशियल होते थे जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, ठीक है। नागर श्रेष्ठी, तो नागर स्टाइल से आप याद रख सकते हैं कि नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है, तो नागर श्रेष्ठी नॉर्थ इंडिया के ऑफिशियल होंगे। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नगर मतलब सिटी और उसके ऑफिसर नागार श्रेष्ठीस। विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट वर इन द कंट्रोल ऑफ ग्रामिकास, ठीक है। तो सबसे ऊपर था एम्पायर, उसके बाद थे प्रोविंसेस जिन्हें भुक्तीस बोला जाता था। भुक्तीस डिवाइडेड थे विश्यास में, विश्यास जो डिस्ट्रिक्ट है, और विश्यास फर्दर डिवाइडेड थे विलेजेस में, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फाहिम, एक चाइनीज ट्रेवलर जो लैंड रूट से आए थे, सी रूट से गए थे, वो गुप्ता पीरियड में आए थे। और किस गुप्ता रूलर के टाइम में आए थे? वो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे। उन्होंने काफी सारी हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो उन्होंने क्या क्या बताया है वो हम थोड़ा पढ़ेंगे अब।
उन्होंने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को काफी माइल्ड और बेनेवोलेंट कहा है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रीडम थी लोगों के पास, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और स्टेट इंटरफेरेंस जो था वो बहुत ही मिनिमम और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। पनिशमेंट जो थी वो ज्यादा नहीं दी जाती थी, थोड़ा सा बस फाइन लगाया जाता था और यहाँ पर कोई भी स्पाई सिस्टम भी नहीं था। आप देख सकते हैं कि स्पाई सिस्टम काफी ज्यादा किसमें था, मॉडर्न पीरियड में था। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सो एफिशिएंट दैट रोड्स वर केप्ट सेफ फॉर ट्रेवलर्स एंड देयर वॉज नो फियर ऑफ थीव्स। तो ये भी एक उन्होंने चीज बताई कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलर कर सकते हैं और कोई फियर भी नहीं था कि आपकी कोई चोरी हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि काफी लोगों ने इसके अगेंस्ट भी लिखा है, जो फाहिन ने बताया। तो फाहिन का अकाउंट थोड़ा मतलब क्रिटिकली हमें एनालाइज करना चाहिए, लेकिन फाहिन ने जो ये सब बोला है वो सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि फाहिन ने क्या बोला। कभी कभी यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे चाइनीज ट्रेवलर्स के बारे में 2018 के मेंस में पूछा था। लेकिन ऑन द होल आपको ये याद रखना होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था गुप्ता पीरियड का वो ज्यादा लिबरल और बेनेवोलेंट था देन मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में आपको छोटी छोटी चीजों के लिए फांसी दी जाती थी। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं कि अगर आप करप्शन कर रहे हैं गुप्त मॉडर्न पीरियड में तो भी फांसी हो जाती थी। अगर आप किसानों की मतलब फसल खराब कर रहे हैं तो भी आपको फांसी हो जाएगी। मर्चेंट्स को आप परेशान कर रहे हैं तो भी आपको फांसी हो जाएगी। ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट सिस्टम था मॉडर्न पीरियड में, लेकिन गुप्ता पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर काफी सिंपल हो गया था। अब हम देखेंगे सोशल लाइफ के बारे में। सोशल लाइफ में मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस रिलीजन को फोकस कर रहे थे गुप्ता रूलर्स वो था वैष्णविज्म। हाँ, वो टॉलरेंट थे रिगार्डिंग टू अदर रिलीजन ऑल्सो, लेकिन ये ज्यादातर वैष्णविज्म को प्रमोट करते थे और ब्राह्मण्स इस टाइम में काफी ज्यादा अपनी एक इंपॉर्टेंट पोजिशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो करंट हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, करंट हिंदू रिलीजन जो है उसकी जो रूट्स हैं वो गुप्ता पीरियड में जाकर बिगिन हुई थी। ठीक है, आप वैदिक रिलीजन या मॉडर्न पीरियड में या पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो रिलीजन देखेंगे वो थोड़ा डिफरेंट ही है, लेकिन जो करंट सिस्टम है, करंट जो हिंदू रिलीजन है उसकी बिगिनिंग आप देख सकते हैं वो कब शुरू होंगी, वो गुप्ता पीरियड में शुरू होंगे। इसका प्राइमरी जो एक कारण था वो ये था कि यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा ना, जैसे मनुस्मृति टेक्स्ट है वो कोडिफाई कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना हो चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था। ब्राह्मण्स जो थे वो टॉप लेडर ऑक्यूपाई करते थे, उनसे ही डिसीजन लेते थे किंग्स, फिर ही डिसाइड करते थे कि क्या करना चाहिए और उनको इनॉर काफी सारे गिफ्ट भी दिए जाते थे। आप देखेंगे कि अनटचेबिलिटी इस टाइम में शुरू हुई है। आप देखेंगे कि अनटचेबिलिटी जो थी वो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, फाहिन ने मेंशन करा है कि चंडालास जो थे वो डिफरेंट जगह में रहते थे, चंडालास जो थे उनको काफी अनटचेबल माना जाता था। और ये भी कहा उन्होंने कि वो जब भी सिटी में आते थे तो पहले घंटी बजा देते थे फिर वो आते थे। फिर साथ साथ यहाँ पे पोजीशन जो वुमेन की है वो भी काफी मिजरेबल हो गई है। उनको उनको रिलीजियस टेक्स्ट भी नहीं पढ़ने दिया जाता था, जैसे पुराणास भी उन्हें नहीं पढ़ने दिए जाते थे। और इससे पहले क्या होता था कि स्वयंवर की प्रैक्टिस होती थी। तो स्वयंवर मतलब लड़कियां जो थी चूज करती थी कि उनको किससे शादी करनी है। काफी जैसे आपने स्वयंवर अभी भी देखते होंगे ना, कुछ कुछ सीरियल्स में टीवी में आता था, जैसे राखी सावंत का शो आया था। ठीक है, वो तो मजाक का ही था, लेकिन वैसे ही स्वयंवर पहले रियलिटी में हुआ करता था जिसमें चूज करती थी वुमेन कि उन्हें किससे शादी करना है। तो एक फ्रीडम थी उन्हें। लेकिन आप देखेंगे कि स्वयंवर का जो सिस्टम है वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया और बता दिया जाता था कि आपको इनसे शादी करनी है और उससे शादी होती थी। मनुस्मृति ने यह भी कहा है कि अर्ली मैरिज गर्ल्स की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणिज्म जो है वो सुप्रीम रिलीजन माना गया गुप्ता पीरियड में। उसकी दो ब्रांचेस थी, एक वैष्णविज्म जो विष्णु को गॉड मानते थे, फिर शैविज्म जो शिव को प्राइमरी गॉड मानते थे। ये दो ब्रांचेस थी। और आप देखेंगे गुप्ता रूलर्स वैष्णवाइट्स थे। ठीक है, याद रखना गुप्ता रूलर्स वैष्णवाइट्स थे, शैवाइट्स नहीं थे। ये वाला पॉइंट अपने नोट्स में आप स्टार मार्क करके लिख ले। वो अश्मवेध सैक्रिफाइस भी परफॉर्म करते थे। रिलीजियस लिटरेचर जैसे पुराणास हैं वो इस पीरियड में जाके कंपोज हुई, लेकिन ये भी याद रखना कि सारी की सारी पुराणास इस पीरियड में नहीं हुई। काफी पुराणास जो है वो अर्ली मेडिवल
पीरियड तक चलती रही, काफी पुराना जिससे पहले ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पुरानास इस पीरियड में जाके कंपोज्ड हुई। आप देखेंगे कि ब्राह्मणिज्म इस टाइम में प्रमोट हुआ, लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और फाहिन ने भी डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म मेंशन करा था गंगेटिक वैली में, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो फैलता रहा। साथ साथ आप देखेंगे कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि बुद्धिज्म दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना, जैसे कोरिया, जैसे श्रीलंका, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, इन सब में जाके प्रमोट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि बुद्धिज्म रिलीजन वहां अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे साथ साथ कि वेस्ट और साउथ इंडिया में जैनिज्म फ्लरिश किया इस टाइम में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई यहाँ पे, सेकेंड जैन काउंसिल होगी कहाँ पर, वल्लभी। वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में, राइट। और जैन कैनन ऑफ श्वेतांबर्स रिटर्न की गई, ठीक है। श्वेतांबर्स जो कपड़े पहनते हैं, दिगंबर्स जो कपड़े नहीं पहनते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। करंट में जो श्वेतांबर्स और दिगंबर्स कर रहे हैं उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें ज्यादा ये लेना देना है कि मतलब एंशियंट इंडिया में श्वेतांबर्स और दिगंबर्स कैसे थे। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक्स श्वेतांबर्स दे यूज टू वेयर सम क्लोथ्स और दिगंबर्स वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे, ये आपको याद रखना हो चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में काफी ज्यादा आपको प्रोग्रेस दिखेगी इस पीरियड में। इस पीरियड को गोल्डन एज पीरियड भी कहा जाता है। काफी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस इस पीरियड को पीरियड ऑफ रेनेसा भी कहते हैं, लेकिन इसको कहना सही नहीं होगा। देखिए रेनेसा का मतलब होता है कि डार्क एज से नई बिगिनिंग शुरू होना, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड तो डार्क एज था ही नहीं, तो न्यू बिगिनिंग कैसे हो गई, इसलिए रेनेसा वर्ड जो है वो सही नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है इस पीरियड ऑफ इस गुप्ता पीरियड पीरियड ऑफ रेनेसा क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्रिटिकली एग्जामिन आप जब करेंगे तो आपको क्रिटिसाइज करना होगा इसको, ये पीरियड ऑफ रेनेसा नहीं है, लेकिन इसे गोल्डन एज कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको दिखेगा कि रिलीजन में प्रोग्रेस हुई, आपको दिखेगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में प्रोग्रेस हुई, आपको दिखेगा कि साइंस में प्रोग्रेस हुई। तो ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या प्रोग्रेस हुई। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए गुप्ता पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आना मतलब हर कुछ साल में बार बार आता ही रहेगा इस पे क्वेश्चन, ये तो आप याद रखिए। क्योंकि यहाँ पे नागर और द्रविड़ स्टाइल इवॉल्व हुए। नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया में हुआ और द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में हुआ। हम मोस्टली नागर स्टाइल डिस्कस करेंगे, द्रविड़ स्टाइल हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मैंने एक पल्लवा का जो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वो आप देख लें, वहां पे द्रविड़ स्टाइल हमने डिस्कस कर रखा है। फिर द्रविड़ स्टाइल आप आगे हम डिस्कस करेंगे किसमें, चोलास में। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूं, तो द्रविड़ स्टाइल में मेन मेन जो आते हैं वो सबसे पहले तो आते हैं पल्लवास जिन्होंने बिगिन करा, फिर उसके बाद आते हैं चोलास, फिर उसके बाद आते हैं विजयनगर, फिर उसके बाद आते हैं नायकास। तो ये चार जो है इन्होंने द्रविड़ स्टाइल को प्रमोट करा। नागर स्टाइल में मेनली नाम जो आता है वो आता है गुप्ता रूलर्स का। आप लेकिन अगर द्रविड़ स्टाइल और नागर स्टाइल के टेम्पल्स देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स ज्यादा अच्छे हैं दिखने में, माइन्यूट डिटेल्स पर उन पर फोकस किया गया है, इसलिए द्रविड़ स्टाइल जो है उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। अब हम चीजें देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन ऑफ हुनास। तो हुनास जो है उन्होंने काफी सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए, इसलिए नागर स्टाइल के काफी टेम्पल्स दिखते नहीं है, और जो दिखते हैं वो काफी सारे मतलब शायद तोड़ दिए गए हैं या अच्छे नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट है। एक ये राइट में टेम्पल दे रखा है देवगढ़ में, ये झांसी के पास है, अगर आप उस एरिया में हो तो आप विजिट कर सकते हो देवगढ़ को। तो एक टेम्पल है देवगढ़ टेम्पल। तो अगर नागर स्टाइल का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल में देवगढ़ टेम्पल आप लिख सकते हो, और भी आप नागर स्टाइल के टेम्पल्स देख सकते हो। जब हम कल्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम देखेंगे कि उड़ीसा स्टाइल है, हम देखेंगे कि स्टार स्टाइल है, हम देखेंगे कि चंडेलास का भी स्टाइल है, जो आपको चंडेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर दिखेगा कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में खजुराहो में। तो टेम्पल एट देवगढ़ यहाँ पर दे रखा है, और स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट घरवास नियर अलाहाबाद रिमेन इंपॉर्टेंट स्पेसिफाइन ऑफ गुप्ता आर्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गंतारा स्टाइल का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था, बट द ब्यूटिफुल स्टैच्यू ऑफ स्टैंडिंग बुद्धा एट मथुरा रिवील्स अ लिटल ग्रीक स्टाइल। तो गंधारा में ग्रीक का इम्पैक्ट था, और आप देखेंगे कि गंधारा का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था इन टेम्पल्स पे, लेकिन आप यहाँ पर क्या मेंशन है कि ब्यूटीफुल स्टैच्यू ऑफ बुद्धा स्टैंडिंग एट मथुरा रिवील्स अ ग्रीक स्टाइल।
उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट मोनोलिथिक पिलर है, भिटरी मोनोलिथिक पिलर, ये स्कंदा गुप्ता ने बनाया, ठीक है। और बुद्धा की काफी सारे स्टैच्यू सारनाथ में ही मिले हैं। उसके साथ साथ इस पीरियड में मेटलर्जी में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ। जाइजेंटिक कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा ओरिजिनली फाउंड एट सुल्तानगंज, नाउ कैप्ट एट बर्मिंघम म्यूजियम, वॉज अबाउट 7.5 feet हाइट एंड नियरली अ टन वेट। तो एक काफी इंपॉर्टेंट कॉपर स्टैच्यू था बुद्धा का, वो कहाँ पर था? सुल्तानगंज, ये कहाँ पर है? बिहार में, लेकिन इसे अंग्रेज बर्मिंघम इंग्लैंड म्यूजियम में ले गए। उसके बाद साथ साथ हमने सबसे पहले डिस्कस करा था दिल्ली आयरन पिलर ऑफ द गुप्ता पीरियड इज स्टिल फ्री फ्रॉम रस्ट थ्रू दो कम्प्लीटली एक्सपोज टू सन एंड रेन फॉर सो मेनी सेंचुरीज। सो दिल्ली आयरन पिलर जो चंद्रगुप्त ने बनाया, वो अभी तक आप देखेंगे कि वहां पर रस्ट नहीं पड़ा है आयरन, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये आयरन से बनाया। और आपने पढ़ा होगा साइंस में कि आयरन जो है वो रस्ट खा जाता है, लेकिन ये रस्ट नहीं खाया। तो इससे पता चलता है कि कितना बढ़िया मेटलर्जी में उस टाइम में प्रोग्रेस थी कि अभी तक रस्ट नहीं हुआ है। उसके साथ साथ हम काफी सारी पेंटिंग्स देखते हैं गुप्ता पीरियड की, कहाँ पर? जैसे बाघ केव्स है नियर ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश में। बाघ केव्स बुद्धिस्ट केव्स है, ठीक है, सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स है। और आपको ये याद रखना होगा कि गुप्ता वैष्णवाइट्स थे, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म आर्ट को भी उन्होंने प्रमोट करा। उसके साथ साथ हम देखेंगे मुरल पेंटिंग्स, मुरल मतलब पेंटिंग्स जो दीवार वगैरह पे हो जाती है ना, उन्हें मुरल कहते हैं। मुरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता मोस्टली इलस्ट्रेट द लाइफ ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन द जातकास स्टोरीज। सो जातका स्टोरीज क्या है? जातकास स्टोरीज वो हैं जो बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के बारे में बताते हैं। उसके बाद काफी सारी पेंटिंग्स आपको श्रीलंका में भी मिलेंगी जो अजंता स्टाइल से इन्फ्लुएंस थी। गुप्ता कॉइनेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया है। समुद्रगुप्त ने 8 type ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू करे, और यहाँ पर काफी सारे लेजेंड बनाए थे, मतलब वहां पे ये भी बताया गया कि रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं। उन्होंने अश्ववेध सेक्रीफाइस भी दिखाया, उन्होंने अपनी फोटोज भी बनाई जिसे एफिगी कहते हैं, ठीक है, एफिगी। अगर कोई अपनी पेंटिंग बना देता है कॉइन पे तो उसे एफिगी कहते हैं। साथ साथ आपको देखिएगा कि क्वींस जो थी उन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू करे थे। उसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त टू और उसके सक्सेसर जो थे उन्होंने गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज भी इशू करे हैं। गुप्ता पीरियड में आपको लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन्स जो मिलते हैं वो गुप्ता पीरियड में मिलते हैं। लेकिन गुप्ता पहले रूलर नहीं थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करे, पहले रूलर तो ग्रीक्स थे, ठीक है, इंडो ग्रीक्स, और फिर कुशाना ने भी काफी सारे इशू करे थे। गुप्ता पीरियड में आपको दिखेगा कि सिल्वर और कॉपर कॉइन्स कम हो गए हैं, इससे पता चलता है कि ट्रेड जो थी वो इस टाइम में थोड़ी कम हो गई थी। अब हम क्विकली आते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर में हम देखेंगे संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बन गई, जो करंट संस्कृत लैंग्वेज है उसका भी ओरिजिन आप देखेंगे तो वो गुप्ता पीरियड में ही है। जो इससे पहले संस्कृत लैंग्वेज हुआ करती थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, और वो जो करंट फॉर्म में संस्कृत लैंग्वेज है वो आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में बिगिनिंग हो जाएगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि नागरी स्क्रिप्ट इवॉल्व करेगी फ्रॉम दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और काफी सारे वर्क जो है क्लासिकल संस्कृत में केम टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपिक लिरिक्स ड्रामा एंड प्रोज, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ द संस्कृत लिटरेचर बिलोंग टू द गुप्ता एज। तो ये सब आप देख सकते हैं कि क्लासिकल एज के अंदर या गोल्डन एज के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। क्यों गोल्डन पीरियड इसे कहा जाता है? क्योंकि लिटरेचर में प्रोग्रेस दिखी हमें और संस्कृत में प्रोग्रेस दिखी। उसके बाद हमने डिस्कस करा था समुद्रगुप्त के बारे में, जो 4th century के रूलर थे, 50 साल तक रूल करा था, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। वो खुद ही एक बहुत बढ़िया पोएट थे, उसके साथ साथ इन्होंने काफी सारे स्कॉलर्स रखे हुए थे अपने, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर जिसका नाम आपके दिल में बैठा होना चाहिए वो है हरिसेना, जिन्होंने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखी है संस्कृत में, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त का जो कोट है जो हमने काफी सारे सीरियल्स में भी देखा है, ये देखिए चंद्रगुप्त 2 है, चंद्रगुप्त 1 नहीं है, तो एग्जाम में कहीं चंद्रगुप्त 1 मत लिख देना। इनका जो कोट है वो नवरत्नास थे इनके कोट में काफी सारे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कालिदासा, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने काफी सारे संस्कृत ड्रामा लिखे, जैसे शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम भी आपने नाम सुना हुआ होगा, और इसे कहा जाता है 100 best books ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है, देख रहे हैं ना आप। तो ये अगेन आप अगर क्वेश्चन लिखेंगे गोल्डन एज को तो उसमें ये लिखेंगे। ही रोट 2 other plays, मालविका अग्निमित्रा और विक्रम विक्रमोर वसिया, ठीक है।
विक्रम और वसीया, तो ये नाम आप याद लिख लें। उसके साथ साथ कालिदास ने और भी लिखे हैं, हिज टू वेल नोन एपिक्स आर रघुवंशा एंड कुमारा संभव, ठीक है, कुमारा संभव, ऋतु समारा और मेघादत्ता आर हिज टू लिरिक्स। तो फ्रेंड्स ये आप ना बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिखें कि प्लेस कौन से, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम मोर वसिया, ठीक है, उनके एपिक्स कौन से हैं, रघुवंशा और कुमारा संभव और ऋतु समारा मेघुदत्ता उनके लिरिक्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। और अभिज्ञान शकुंतलम एक ड्रामा है, संस्कृत ड्रामा। अब हम क्विकली और भी देख लेते हैं, लेक्चर आप पूरा देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अभी आ रही है। विशाखा दत्ता एक और इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे इस टाइम में, जिन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, एक मुद्र राक्षस, देविका चंद्रगुप्तम। तो काफी लोग जो है देविका चंद्रगुप्तम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे वो कंफ्यूज कर देते हैं मालविका अग्निमित्रम से, लेकिन देविका चंद्रगुप्तम जो है वो विशाखा दत्ता ने लिखी है। सो सूद्रक भी एक इंपॉर्टेंट पोएट थे इस टाइम में, जिन्होंने बुक लिखी है मृच्छा कतिका, एंड ये ह्यूमर और पैथोस में रिच है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कौन आएंगे पोएट या राइटर, वो है भरावीज, जिन्होंने कृतर जुनिया लिखी है, इट इज द स्टोरी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन अर्जुन एंड शिवा। तो भरावीज की कृतर जुनिया। उसके बाद आप देखेंगे डंडिन, एक इम्पोर्टेंट ऑथर, उन्होंने लिखी काव्य धर्सा और दशा कुमारा चरिता। फिर अनदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड इज वसावा दत्ता रिटर्न बाय सुभानदु। उसके बाद पंचतंत्र की स्टोरीज भी आपको देखेंगी, जो विष्णु शर्मा ने लिखी हैं, और बुद्धिस्ट ऑथर अमर सिम्हा कंपाइल्ड अ लेक्सिकन कॉल्ड अमरकोश। तो अमर सिम्हा ने अमरकोश लिखी है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पुराना जो प्रेजेंट फॉर्म में है वो भी इस पीरियड में कंपाइल किए गए, और यहाँ पर 18 मेजर पुराणास हैं, ये जो 18 पुराणास लिखा ना, 18 मेजर पुराणास हैं और बहुत सारे माइनर पुराणास भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम आर भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है। महाभारत और रामायण वर गिवन फाइनल टच एंड रिटर्न इन द प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मैंने आपको बताया था कि जो करंट हिंदू रिलीजन है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म, आजकल के फॉर्म में 21st सेंचुरी में, उसका ओरिजिन जो है वो गुप्ता पीरियड में हुआ है। तो मैंने इसलिए ही कहा था क्योंकि देखिए टेक्स्ट जो है वो सारे कंपाइल्ड हो गए हैं। आपने जब ये टेक्स्ट पहली बार पढ़े होंगे, अगर ये आप लेक्चर ये चीजें आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा याद, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ये बस आपको मतलब 5 बार पढ़ लीजिए इसे, ठीक है, 5 times पढ़ लीजिए, या ये लेक्चर को 2 बार देख लीजिए, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। इसमें कुछ कुछ जो है वो टफ है, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ दे रखा है भरावीज की जो बुक्स हैं, जैसे डंडिन की बुक है, इवन डंडिन नाम याद रखना टफ है, उसके बाद सुभानदु का नाम याद रखना है, तो ये सब थोड़ा टफ लगता है, लेकिन फिर भी आप करिए, क्योंकि आप देखते होंगे पंचतंत्र की कहानियां कितनी पॉपुलर हैं और किसने लिखी, विष्णु शर्मा ने, वो गुप्ता पीरियड में कंपाइल हुई है। तो ये जो चीजें हैं ये एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है, ये आती हैं, और आती ऐसे हैं कि स्टेटमेंट्स 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से एक स्टेटमेंट इसका मेंशन होगा, तो आपको ये बिल्कुल आना चाहिए, याद रखना। अब साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, साइंस में भी काफी सारी प्रोग्रेस हुई। आर्यभट्टा के बारे में आपने सुना ही होगा, ग्रेट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने आर्यभट्टिया लिखी, कब लिखी, 499 AD में। तो अगर आपने GS3 का सिलेबस देखा हो तो उसमें एक पॉइंट भी है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड ऑल, तो उसमें आर्यभट्टा भी आ सकते हैं। ये जो बुक है आर्यभट्टा की, ये मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी के बारे में डील करती है, ये बताती है सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में। आर्यभट्ट जो थे वो पहले थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है और ये रोटेट करता है अपनी ओन एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन ये जो व्यूज थे देवर रिजेक्टेड बाय लेटर एस्ट्रोनॉमर्स लाइक वरामीर और ब्रह्मा गुप्ता। तो आर्यभट्टा जो थे वो पहले थे जिन्होंने डिक्लेयर करा था कि अर्थ स्फेरिकल है शेप में और रोटेट करता है अपनी ओन एक्सिस पे। उसके बाद आप देखेंगे वरामीर, जो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस के में आते हैं, उन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा है, इसका मतलब है 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम, और ये ग्रेट बुक है ऑन एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने बृहत संहिता भी लिखा है जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है, और ये संस्कृत लिटरेचर की बुक है, और ये किसके बारे में डील करती है, डील्स विद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल्स, मैरिज, वुमेन्स, और इन्होंने हिज एक और बुक जो इनकी है वो है बृहत जातक, ठीक है, बृहत
जातक, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है एस्ट्रोलॉजी की, तो ये बुक्स आपको याद होनी चाहिए। और एक दो के एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जिससे अगर मेंस में क्वेश्चन आए या एसे में भी आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लिखें तो हमारा स्टडी अच्छी हो जाती है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन वक्भट लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, अदर स्कॉलर्स चरक एंड सुश्रुत लिव्ड बिफोर गुप्ता पीरियड। तो चरक जो मेडिसिन में थे, सुश्रुत जिन्होंने सर्जरीज परफॉर्म करी थी काफी सारी, वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में थे। गुप्ता पीरियड जो 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक रहा, उसमें उसमें कौन कौन से हैं, वराहमिहिर हैं, आर्यभट्ट हैं, ये सब हैं, ठीक है। लेकिन चरक और सुश्रुत इस पीरियड से पहले रहे थे। वक्भट जो हमने डिस्कस करा, ही वॉज द ऑथर ऑफ विच बुक, अष्टन गसम ग्रह, अष्टम गसम ग्रह। तो अष्टन दिख रहा है ना आपको, अष्टन मतलब आठ, अष्टन ग समग्रह तो मतलब समरी ऑफ द 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो अष्टन आपको याद हो जाएगा क्योंकि आठ है, इससे आठ भी याद रहेगा, अष्टन का समग्रह, तो समरी ऑफ द 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। तो फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर फाइनली खत्म हो गया, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार और देखें। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पढ़ा, लाइक अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और उसकी इंपॉर्टेंस। फिर समुद्रगुप्त के मिलिट्री अचीवमेंट पढ़े, हमने पढ़ा कि उन्होंने साउथ इंडिया भी वो गए थे, साउथ इंडिया में उन्होंने इनडायरेक्टली रूल करा। फिर हमने कंक्वेस्ट पढ़ी चंद्रगुप्त टू के बारे में, चंद्रगुप्त टू जो वेस्ट वेस्ट में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गए थे, जो गुजरात में गए थे, जिन्होंने साकास को हराया था, वेस्टर्न सत्रप्स को हराया था, जिन्होंने कुशानास को हराया था, राइट, उसके बारे में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त टू के बारे में। फिर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पढ़ी, जो फाहीन ने बताई थी, जिन्होंने इंडिया विजिट करा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू। फिर हमने देखा संस्कृत लिटरेचर में काफी सारी प्रोग्रेस हुई, कालिदास की हमने बहुत सारी बुक्स देखी, हमने देखे लिरिक्स लिखे हैं उन्होंने, ड्रामा लिखा है उन्होंने, एपिक्स लिखी हैं। फिर हमने विशाखा दत्ता के बारे में हमने देखा, उनकी दो बुक्स काफी इंपॉर्टेंट जैसे मुद्र राक्षस देवी का चंद्रगुप्तम हमने देखी। हमने फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में प्रोग्रेस देखी, फिर प्रोग्रेस देखी हमने साइंस में, जिसमें आर्यभट्टा और वराहमिहिर के बारे में हमने पढ़ा। तो ये हमने चीजें पढ़ी, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और गुप्ता एरा इस, अब देख लेते हैं एमसीक्यूज, बड़े आसान से हैं, आप ही खुद करेंगे। गुप्ता स्टार्ट फ्रॉम द ईयर, तो गुप्ता एरा पूछ रहा है, ठीक है, गुप्ता एरा, गुप्ता का पीरियड नहीं, गुप्ता एरा। फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में सीधे, ठीक है। फिजिशियन हु लिव्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एज, वेरी गुड क्वेश्चन, फिजिशियन पूछ रहा है और काफी टफ ऑप्शन है इसमें। अगर आपने ये लेक्चर नहीं करा ना तो ये आप गलत कर देंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो फिर से मेरे लास्ट पॉइंट्स देखें और आप कमेंट सेक्शन में लिखें इसका आंसर, मैं अगर आपका आंसर सही होगा मैं आपको बताऊंगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें चंद्रगुप्त वन आंसर मत लिख देना, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कॉलर वसु बंधु वास पेट्रोनाइज बाय, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर किसके पेट्रोनाइज थे, इसका अच्छा आंसर है। टाइटल सकारी वाज अस्यूम्ड बाय, जिन्होंने शाकास को हराया था, किसने हराया था, हमने डिस्कस करा है। एपिक रिटर्न बाय कालिदासा आर, तो एपिक्स पूछ रहे हैं, एपिक्स, ठीक है, कोई भी बुक नहीं लिखनी कालिदासा की, एपिक्स ही लिखनी है। ऑथर ऑफ बृहत संहिता वॉस, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने साइंस में पढ़ा। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, मेघदूता, ठीक है, मेघदूता कौन है, किसने लिखी है, ठीक है, बुक है, ठीक है, देवी का चंद्रगुप्तम किसने लिखी है। फिर उसके बाद दासा कुमार चरित्र किसने लिखी है, मृच्छकृतिका किसने लिखी है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको आप अटेम्प्ट करें और लिखें। फिर फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट अलोन इज राइट, सिर्फ इसमें वन स्टेटमेंट ही राइट है। तो समुद्र, पहले स्टेटमेंट है कि समुद्र रूप ने क्या सारी साउथ इंडिया की टेरिटरी को कॉन्कर कर लिया था, बात तो सही नहीं है। फिर दक्षिणापथ एक्सपेडिशन ऑफ समुद्र गुप्त वॉज मैंशन बाय फाहीन, तो फाहीन किसके टाइम में आए थे, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। समुद्र गुप्त डिफीटेड द साउथ इंडियन किंगडम्स बट गेव देम बैक देयर किंगडम्स, क्या ये बात सही है, क्या इनडायरेक्ट रूल का मतलब यही होता है। फिर लास्ट एंड नॉर्थ इंडिया कंक्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त डिड नॉट रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो आपने अगर ये पढ़ा है तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने, स्कॉलर्स नोन एज नवरत्न लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त, तो ये भी आपको आराम से बता पाएंगे नवरत्न किसके टाइम में रहे थे, क्या चंद्रगुप्त वन के थे टाइम में थे, या समुद्रगुप्त के टाइम में थे, या चंद्रगुप्त टू के टाइम में थे। फिर गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ हुंस, तो हुंस का अटैक हुआ था इंडिया में और गुप्ता पीरियड में, बट क्या गुप्ता डिक्लाइन हो पाए थे। गुप्ता आर्ट अडॉप्टेड बोथ नागर एंड द्रविड स्टाइल, तो अच्छा क्वेश्चन है। गुप्ता पैट्रोनाइज द संस्कृत लैंग्वेज, ये तो आसान है, कर देंगे आप। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, दक्षिणापथ एक्सपेडिशन ऑफ समुद्रगुप्त, आर्यभट्टा,
मेटल आर्टिफैक्ट्स अंडर द गुप्तास। तो आपको ये वैसे सारे करने चाहिए, अगर आप ये सारे नहीं कर पा रहे तो आप 3 इसका जरूर करें। उसका आंसर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिख सकते हैं या यहीं पे लिख दीजिए यूट्यूब पर, मैं रिव्यू करूंगा उसका आंसर। तो इसमें थर्ड तो जरूर कर लीजिए क्योंकि ये आ सकता है। फिर 7th क्वेश्चन देखते हैं, एवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया बाय चंद्रगुप्त 2। ये क्वेश्चन जीएस के लिए, इवन ऑप्शनल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर भी आंसर लिखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। देखिए आंसर लिखने से ना काफी लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स होगा फिर मैं मेंस का करूंगा। देखिए मेंस का आंसर लिखने से आपका प्रीलिम्स भी सुधरता है, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद और भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो देख लें हम। राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाहिन विजिट टू इंडिया एंड हिज ऑब्जर्वेशन ऑन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अटेम्प्ट करें। फिर थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन द सैलेंट फीचर्स ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं 200 वर्ड्स में लिखना है, गिव एन अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त। ये स्टेट पीसीएस में आ सकता है, उसमें भी ऑप्शनल में, वरना नहीं आएगा ये। डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ अंडर द गुप्तास, नहीं है इंपॉर्टेंट ये। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप अटेम्प्ट करें भले ही आपका जीएस हो या ऑप्शनल हो। एग्जामिन द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्तास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सब पार्ट्स में डिवाइड करना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, सोसाइटी में, लिटरेचर में, सोसाइटी में नहीं, कल्चर, रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं उतने आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन अबाउट गुप्तास, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग SYE Academy।